हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब में चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, ये डिश ब्रेक है जो आदमी को बार बार अगर जाम करे तो इसको कैसे सही करना है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे नोज पिलास के मदद से, इसके पिस्टन के अंदर करके और नोक पिलास को दबा के और उसको राउंड राउंड घुमाना है फ्री करके, फिर धीरे धीरे इसको बाहर करेंगे। आप देख सकते हो कि कैसे ये बाहर की ओर आ रही है, और ये देख लीजिए ये बाहर आ रहा है। जैसे बाहर आएगा तो इसके क्लीन करने के बाद, ये बहुत ही कम लोगों को पता है, इसको क्लीन करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखिए कैसे पिस्टन को हमने बाहर कर रहे हैं हम लोग, और ये समस्या सॉल्व होने के बाद आपके डिश ब्रेक को जाम लगना बिल्कुल भी बंद हो जाएगी। जो लीवर को हल्का दबाते ही ब्रेक लग जाता है और जाम चलता है। ये देखिए हमने पिस्टन को निकाल लिया है, कितनी गंदी तेल है इसके अंदर, जो डस्ट पार्टिकल है वो धीरे धीरे करके नीचे वाले पिस्टन में जमा हो जाता है, ये देख लीजिए। तो फिर हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, पेट्रोल से बिल्कुल भी नहीं धोना है इसे। ये देखिए ये जमा हुआ, ये देखिए ब्लैक ब्लैक, ये देखिए ये गंदगी है इसके अंदर, ऐसे बहुत सारे अंदर में है जो कि उंगली से बाहर नहीं आ रहा है। तो हम ये एयर गन से इसका सफाई करेंगे, पेट्रोल से धोना नहीं है इसको, पानी से और एयर गन से हम इसको धोएंगे। और ये जो आवाज़ कट 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 करता रहता है उसके लिए इसका रबर हम लगाएंगे, और स्पेशल ग्रीस आता है उसके लिए जो कि रबर में पड़ता है ताकि रबर फूले नहीं, उसे लगाना है इसके अंदर और लगा के क्लीन करके हम लोग इसको सेट करेंगे।